वेलकम यू ऑल एट इंजीनियर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट विल बी ऑन पीजी काउंसलिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईसी स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी मद्रास। सो व्हाई आईआईटी मद्रास फर्स्ट सर? सो बेटा जी, आईआईटी मद्रास इज़ फाउंडेड इन 1959। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी ऑफ अ कंट्री एंड विच हैज़ ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ एज द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री बाई सिक्योरिंग कंटिन्यूसली फर्स्ट रैंक इन NIF रैंकिंग दैट आर गवर्नमेंट रैंकिंग्स। बेसिकली हर साल गवर्नमेंट एक रैंकिंग निकालती है दैट इज NIF रैंकिंग्स, उसके अंदर ये फर्स्ट रैंक पे है कंटिन्यूसली फ्रॉम 3 ईयर्स इन ओवरऑल कैटेगरी। अगर बात करूँ इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में रैंकिंग, तो वो फर्स्ट रैंकिंग पे है कब से, लाइक अराउंड मोर देन 5 ईयर्स। तो डेफिनेटली दिस इज द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो डाउट इट हैज़ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स एंड इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर डिग्री अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो वास्ट लाइक प्लेसमेंट्स एंड फर्दर स्टडीज। सो डेफिनेटली इफ यू आर ट्राइंग फॉर योर पी जी और योर मास्टर्स, MS और PhD, देन यू शुड अप्लाई और यू शुड ट्राई इट आउट इन IIT मद्रास। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आता है सर कि कैसे अप्लाई करना है, क्या गेट स्कोर रिक्वायरमेंट है, कितना लो तक गेट स्कोर जा सकता है फॉर गेटिंग इन टू PG। सो ये डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सर, मेरा गेट स्कोर लो है, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, जस्ट यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यूज़ के लिए और रिटन टेस्ट के लिए। डेफिनेटली यू विल गेट योर सीट इन IIT। ओके, सो कैसे कैसे सर? देखो पहली बात तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं PGs के लिए, लाइक फर्स्ट इज MTech, देन MS, PhD एंड देर इज दिस सम न्यू प्रोग्राम, आई विल नॉट से न्यू, इट इज समथिंग डिफरेंट, आई विल टेल यू अबाउट इट। है क्या बेटा, जैसे MTech की बात करूँ मैं, तो अगर आपका गेट स्कोर अराउंड 650 से अबाउ है, 654 या फिर मैं बोलूँगा 700 से अबाउ, देन ओनली यू हैव चांसेज इन गेटिंग इन टू IIT मद्रास। क्यों? क्योंकि जो MTech का एडमिशन है वो टोटली बेस्ड ऑन गेट स्कोर IIT मद्रास। सो उसमें क्या होगा कि आपका गेट स्कोर जितना हायर होगा आपके चांसेस उतने ज़्यादा बेटर हैं सिलेक्शन होने के, गेटिंग सीट इन टू IIT मद्रास। दूसरी बात क्या होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही नहीं होती ब्रांचेज, और ब्रांचेज भी होती हैं जैसे क्लिनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक ब्रांच है, उनमें भी आप अलाउड रहते हो, तो उनका क्या होता है रिलेटिवली गेट स्कोर लो जाता है आपकी कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से। सो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो तो ब्रांचेस के अंदर भी, अगर आपका गेट स्कोर लो है, जैसे आपका गेट स्कोर 650 के आसपास आ रहा है या 700 के आसपास आ रहा है, तो आप इजीली MTech ट्राई कर सकते हो अदर ब्रांचेस। अगर आप बायस ना हो या फिर आप फोकस नहीं हो सिर्फ एक ब्रांच के ऊपर, या फिर आपको अगर डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी ब्रांच में आपको MTech करनी है, तो आप इजीली दूसरी ब्रांचेज में ले सकते हो अगर आपका गेट स्कोर 700 के आसपास है तो। ठीक है, और दूसरी बात है सर प्लेसमेंट कैसा है ब्रांचेज के अंदर। डेफिनेटली IITs में प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अगर आप अंदर IIT में एंटर करते हो और उसके बाद आप फोकस कर लेते हो कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है इन फ्यूचर, डेफिनेटली यू आर गोना गेट ए प्लेसमेंट। अगर आप डिसाइडेड हो कि प्लेसमेंट लेना है तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं आता IITs के अंदर। आप अपने आप को स्किल बिल्डअप करो एंड देन यू विल गेट। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्लिनिकल इंजीनियरिंग लेते हो या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेते हो आफ्टर योर गेट, देन डेफिनेटली यू शुड पुट सम एफर्ट इन IIT एंड देन यू विल गेट थ्रू इन प्लेसमेंट, कोई इशू नहीं आएगा ना। उसके बाद सर कि मेरा गेट स्कोर 650 नहीं है सर, उससे भी नीचे है, लाइक अराउंड 500 के आसपास है, 450 के आसपास है, तो कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बात करता हूँ MS की, 500 के आसपास अगर आप अप्लाई करते हो किसी ब्रांचेस के अंदर, तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं आपको कॉल आने के चांसेस है। ठीक है, लाइक अगर बात करता हूँ बायोमेडिकल में अप्लाई करना चाहते हो या फिर और किसी ब्रांचेस के अंदर जहाँ पे आप अलाउड हो, जो कि कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस नहीं है, डेफिनेटली आपको चांसेस हैं कि आपको कॉल आएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपको रिटन टेस्ट होगा एक, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उन दोनों की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर आप उनको प्रिपेयर करके निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक साल और लगाने की जरूरत नहीं है। सर डिफरेंस क्या है MTech और MS के अंदर? डिफरेंस इतना सा है कि MTech होती है 2 साल की, उसमें क्या होता है कि एक साल आपका कोर्स वर्क होता है, मतलब कोर्स वर्क इन द सेंस कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बोथ आर फॉर कोर्सेज। ठीक है, आपको सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं जैसे BTech में आप लेते हो। ठीक है, अगर बात करते हो नेक्स्ट ईयर की, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा होता है प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज काइंड ऑफ रिसर्च वर्क। लेकिन अगर बात करता हूँ MS की, MS होती है 2.5 ईयर्स की मिनिमम, एक्सटेंड भी हो सकती है 3 साल तक। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि आपको फर्स्ट 6 मंथ्स आर फॉर कोर्सेज,
आपको सिर्फ कोर्सेज करने होंगे, उसके बाद आपको 2 साल जो अलॉटेड होते हैं वो होते हैं रिसर्च के लिए, रिसर्च या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एम टेक में होता प्रोजेक्ट, उसमें ऐसा इसकी जगह पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर रिसर्च, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर 2 आपको कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने पड़ेंगे। तो अलग अलग IIT का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इवन एम टेक में भी कई प्रोफेसर आपको रिसर्च पेपर लिखने के लिए बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि MSc टफ, कोई टफ नहीं है, आप जब अंदर चले जाओगे तो इट्स यू विल सेल थ्रू। अब सब लोग वहाँ पे करते रहते हैं तो उनको भी आइडिया नहीं होता, कई लोगों को डेफिनेटली सब कुछ नहीं होता सबके लिए, ठीक है, तो आप आराम से निकालोगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका अगर लो ग्रेड स्कोर है तब भी आप MS में आप मास्टर्स कर सकते हो IIT से, ओके। सो MS इज लाइक वर्ल्ड वाइड कोर्स, ठीक है, मतलब हर जगह MSc चलता है, MTech तो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आप इजीली MS कर सकते हो अगर आपका लो ग्रेड स्कोर है। जस्ट आपको प्रिपेयर करना है किसके लिए, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हो, ठीक है, थोड़ा आपको लगता है कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, आप थोड़ा डीप एनालिसिस करते हो चीज़ों को लेकर, आप थोड़ा टाइम दे सकते हो लाइफ के अंदर, डेफिनेटली यू शुड ट्राई PhD, जो कि 5 साल का कोर्स है और इसमें स्टाइफंड भी ज़्यादा है। जैसे कि बात करता हूँ मैं स्टाइफंड की MS के अंदर, दैट इज 12,400 और इन MTech ऑल्सो सेम, बट इन PhD यू आर गेटिंग 31,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 35,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ, दीज आर पर मंथ स्टाइफंड, ओके, पर मंथ आप इतना स्टाइफंड आपको मिलता है, ठीक है। सो फाइनेंस कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी, अगर आप किसी भी IIT को जाते हो तो आपको आराम से स्टाइफंड मिलेगा। एंड अगर आप PhD यूज़ करते हो तो आपको बस उसमें भी ऐसा होता है कि 6 महीने आपको होते कोर्स के लिए, उसके बाद आपको 4.5 ईयर्स आपको अलॉट रहते हैं फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ओके, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको पेपर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप सीरियसली आप मोटिवेटेड हो टू फर्दर स्टडीज, तो यू शुड ट्राई इन PhD एंड डेफिनेटली द गेट स्कोर इज लो, इवन बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो आपके बहुत सारे चांसेस है कि आप PhD में आराम सेलेक्टेड हो सकते हो। तो आप अगर आपको PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PG करना है, तो डेफिनेटली आप PhD अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो इनकी डेट्स हैं अगर MTech की बात करूँ तो 22 अप्रैल है लास्ट डेट, स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म ऑलरेडी, एंड फॉर MS इट्स 30th अप्रैल एंड फॉर PhD 30th अप्रैल, ठीक है। जो इनके अप्लाई करने के जो वेबसाइट्स आर डिफरेंट, अगर बात करता हूँ MTech की, आप डायरेक्टली डालो गूगल के ऊपर MTech@IIT Madras MTech एडमिशन्स, आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर वाला, ठीक है, उसमें जाना, डीपली एनालिसिस करना, ब्रोशर को पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैसे MTech के बारे में अच्छे से। देन MS के लिए एक अलग वेबसाइट है, दैट इज IITM रिसर्च, आप बेसिकली डालो नेट पे सीधा डायरेक्टली MS@IIT Madras एडमिशन्स ऐसा करके, तो आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, दैट इज ऑफ फॉर द MS एडमिशन्स। MS और PhD का एक ही पोर्टल है, ठीक है। देन देयर इज लास्ट यूनिक प्रोग्राम, दैट इज रिसर्च इन एनालॉग एंड मिक्स VLSI डिजाइन विथ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली क्या है कि ये एक कोलाबरेटिव प्रोग्राम है विथ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ी कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट विच वर्क इन चिप डिजाइनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपके पास गेट स्कोर है 650+, ओके, यू कैन डेफिनेट ट्राई दिस प्रोग्राम। इसमें होता क्या है, सेम MS की जैसा है, आपको MS करनी पड़ेगी 2.5 ईयर्स, बट उसमें होगा क्या कि हाफ टाइम तो आपको IIT में स्पेंड करना पड़ेगा एंड हाफ टाइम आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बेसिकली इंटर्नशिप, ठीक है। इसका स्टाइफंड भी 25,000 है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है सर इसके लिए? इसके लिए अप्लाई कुछ नहीं करना, आपको जो MS का आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डालनी है, आपको किसकी, 66, एक कोड आगे बताऊंगा आपको कौन सी ब्रांच है, उसको आपको डालना है। एंड उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म भरना है इसकी वेबसाइट पर जाके, ठीक है, अभी बताऊंगा कौन सी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भरोगे, दे विल कॉल यू, उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कंपनी के लोग भी बैठेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के एंड IIT के प्रोफेसर बैठेंगे, एंड देन दे विल सेलेक्ट यू। सबसे अलग बात क्या है इसकी, सबसे डिफरेंट बात क्या है, आपको एक जॉब ऑफर मिल जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही, दैट इज़ नॉन बाइंडिंग, बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको एक जॉब ऑफर मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाती है स्टार्टिंग में ही जब आप MS में एंटर करते हो बाई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब आपको स्टाइफंड मिला 25,000 एंड उसके साथ आपको क्या एक जॉब ऑफर मिल रहा है कि भाई आपने जैसे MS पूरी की, द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट विल ऑब्जर्व यू, मतलब आपको वो ले लेगी अपनी कंपनी के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि आपने रिसर्च की अच्छी खासी MS के अंदर, आपने उनकी कंपनी में इंटर्नशिप भी की है, डेफिनेटली उनको पता है कि आप में नॉलेज है, तो आपको ऑप्ट कर लेते हैं एंड उसको वो आपको नॉन बाइंडिंग ऑफर दे देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, मतलब आप जब MS स्टार्ट करोगे आपको जॉब ऑफर आपके हाथ में होगा, तो आप देख रहे हो मतलब आपको प्लेसमेंट की चिंता ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी। सो डेफिनेटली अगर आपका गेट स्कोर 650+ है, यू शुड ट्राई इट, ठीक है। इवन MTech के स्टूडेंट्स को अगर गेट स्कोर आपका मतलब 700 के आसपास है, देन डेफिनेटली आपको तब भी आपको ट्राई करना चाहिए। इवन कई बार प्लेसमेंट में बच्चों का टेक्सास इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है, मतलब जब MTech में जाते हैं उनमें कंपनी आती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भी, तो बच्चों का वहाँ पे कई बार नहीं निकलता, बट यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी क्या बोलते हैं कंपनी ऑफर कर रही है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो अगर आपका गेट स्कोर 650+ है, यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम ऑल्सो, आपका स्टाइफंड भी ज़्यादा है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, सेम MS का अप्लीकेशन होगा, MS का अप्लीकेशन भी आपका वैसे ही रहेगा जैसे मतलब पहले आप अप्लाई कर रहे थे वैसा का वैसा, सेम अप्लीकेशन यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 जगह से कॉल आने वाले हैं, एक तो MS का IIT मतलब आपको अलग से कॉल करेगा, एंड देन
दिस डिपार्टमेंट विल ऑल्सो कॉल यू, अगर आप उसका फॉर्म भरते हो गूगल फॉर्म, तो वो डिपार्टमेंट आपको अलग से भी कॉल करेगा थ्रू दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपने एमएस का फॉर्म भरा है, आपको सिर्फ इतना सा चेंजेस करने हैं उसके अंदर कि भाई आपके जो 5-6 अपनी प्रायोरिटीज़ भरी है उसके अंदर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सिर्फ मैं बताऊंगा वो वाली ब्रांच डालनी है और दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म भरना है और वो आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे आपका दोनों जगह पे एप्लीकेशन वैलिड है, आपको अब अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉल भी आएंगे एमएस के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट से आईआईटी के अंदर, एंड ये भी आपको अलग से कॉल करेगा, ठीक है। और कोई अगर आपको डिटेल चाहिए इसके बारे में तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट वेज विच यू कैन गेट इन टू आईआईटी मद्रास फॉर योर पीजी इफ यू हैव लो ग्रेड स्कोर। ऑल्सो जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा फॉर एमएस एंड पीएचडी, एंड जो प्लेसमेंट है एमएस का और एमटेक का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, इवन एमएस का प्लेसमेंट ज़्यादा होता है कई आईआईटीज में। अगर आईआईटी मद्रास की बात करूँ तो ये जो आईआईटी है दैट इज़ टोटली रिसर्च ओरिएंटेड, तो यहाँ पे जो कंपनीज आती है आरएनडी कंपनीज आती है, तो ये क्या करती है कि जो ज़्यादा रिसर्च एक्यूम बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करती है, तो एमएस में रिसर्च ज़्यादा है बच्चों के पास, तो डेफिनेटली यू हैव चांसेस एमएस, ठीक है। तो जस्ट हाफ एन ईयर का डिफरेंस है एंड यू विल गेट इन टू आईआईटी ऑल्सो एंड यू विल हैव अ प्लेसमेंट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं फॉर एमटेक स्टूडेंट्स जो एमटेक के लिए अप्लाई करने वाले हैं इस बार, कितना गेट स्कोर जाता है किस किस ब्रांचेस के लिए और मिनिमम कितना जाता है। और ये है लास्ट ईयर का डेटा और अलग अलग ईयर का डेटा आपको और मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, ये मैंने लास्ट ईयर का एनालिसिस किया है तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बात करता हूँ डबली, अच्छा इसमें क्या है कि आपने गेट का पेपर जो दिया डबली ब्रांच से दिया है और आपकी ब्रांच जो है कौन सी ब्रांच जिसमें आपने बीटेक कर रखा है वो भी डबली ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो उन ब्रांचेस के लिए मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है। उसमें क्या है कि आप एरोस्पेस में अप्लाई कर सकते हो, एक अप्लाई कर सकते हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एक कर सकते हो क्लिनिकल में, एक कर सकते हो इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है, बहुत अच्छी ब्रांच है, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, देन दिस इज पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, ये वाली जो ब्रांच है इसके बारे में बता रहा था मैं आपको लास्ट वाले प्रोग्राम में, दैट वाज टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे आपको इसको फर्स्ट नंबर पर भरना है एमएस एडमिशन के अंदर जाकर, फर्स्ट नंबर पे इसको आपको भरना है, ठीक है। देन यू हैव कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन फंक्शनल एंड मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। सो दीज आर द ब्रांच, आप देखोगे लोएस्ट गेट स्कोर जो है वो जा रहा है किसमें, क्लिनिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज 654, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसका गेट स्कोर अराउंड 780 के आसपास वेरी कर रहा है, 780 से ऊपर ऊपर है लगभग, ठीक है। लेकिन अगर आपका गेट स्कोर 780 नहीं है तो आपको रेयरली मिलेगा आईआईटी मद्रास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट अगर आप दूसरी ब्रांच में जाने के लिए मतलब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन ट्राई इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग, वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। आपको क्या बोलते हैं 6 महीने आईआईटी में मद्रास में बिताने होंगे, उसके बाद आपको 2 सेमेस्टर आपको अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा, मतलब मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेज में आपको एक्सपेंड करने होंगे, देन यू अगेन यू विल कम इन टू आईआईटी मद्रास। सो दैट इज क्लिनिकल इंजीनियरिंग 654 गेट स्कोर। देन मैथमेटिकल कंप्यूटिंग इज अ डिफरेंट ब्रांच फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, इट्स अ वेरी 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 बेस्ट ब्रांच आई कैन से, जिसके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंप्यूटर साइंस, इट्स अ मर्ज ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके बाद बच्चे डेटा साइंस के अंदर जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी फील्ड खुल जाती है इसके बाद, ठीक है। सो यू कैन सी द गेट्स फॉर दिस जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज आर आल्सो मेंशनड हियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, उसके हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस, ठीक है। जिस तरह से आपके गेट्स को हिसाब से ऊपर नीचे उनको फिल कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन ट्राई इन अदर ब्रांचेस ऑल्सो, ओके। देन फॉर द गेट पेपर ईसी, यू अगेन हैव अदर ब्रांचेस ऑल्सो लाइक मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, क्लिनिकल इंजीनियरिंग, सेम दैट इंडस्ट्रियल कंप्यूटेशन एंड मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, उसके अलावा ये है सारी इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज, सॉरी ये डबल ही खुल गया क्या ईसी, सो यहाँ पे सारी सारी कौन सी इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज, कंप्यूटेशनल एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आरएफ एंड फोटोनिक्स, इसमें कुछ एक दो ब्रांच ज़्यादा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका गेट पेपर कोड ईसी है एंड यू आर फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड, आपका अगर बीटेक ईसी के अंदर है तो, ठीक है। सो दीज आर द गेट स्कोर। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कोर इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे जो गेट्स को लोएस्ट गया दैट इज 731, ठीक है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ क्लिनिकल का कितना गया है 654। सो ऐसा नहीं है कि आपका आपको एमटेक में एडमिशन मिलेगा आईआईटी मद्रास के अंदर, आपको मिल जाएगा इजीली, बट आपको इलेक्ट्रिकल में नहीं मिलेगा, आपका गेट स्कोर अगर कम है अराउंड 650 के आसपास है तो आपको दूसरी ब्रांचेस मिल सकता है इजीली, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे अंदर जाके तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो अदर जो कैटेगरीज उनका भी इसमें मेंशन है, ओके, ओबीसी, एसएससी, ऑल दीज थिंग्स आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड द ब्रांचेस आर टोटली इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, तो इतनी सारी मेंशन है, इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी है कुछ कुछ, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, इसके अंदर देखो फिर अप्लाई कर सकते हो बायोमेडिकल में भी, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप बायोमेडिकल में अप्लाई कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर सकते हो, क्लिनिकल में अप्लाई कर सकते हो, और ये कुछ चार ब्रांचेज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो लोग स्कोर गया किसका गया, क्लिनिकल का 654 गया
उसके अलावा फिर आप देखोगे बायोमेडिकल का 6730 है उसके बाद, तो अगर आपका 730 के आसपास है तो बायोमेडिकल आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके सो ऐसा नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं आपको आपका एम टेक ड्रीम है आई आई टी मद्रास में पूरा नहीं होगा, अगर आपका गेट स्कोर कम है डेफिनेटली आप अगर आप जाना चाहते हो आप अप्लाई करना चाहते हो 730 में इजीली आप जा सकते हो बायोमेडिकल में भी, इवन अच्छा प्लेसमेंट है आई आई टी मद्रास का बायोमेडिकल क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग एवरी ब्रांच का। बस मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर आप अंदर जाके कितनी मेहनत करते हो, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो डोंट वरी, जस्ट फिल द फॉर्म प्रॉपरली, ब्रोशर को एनालिसिस करो, उस हिसाब से डिसीजन लो। आपके सामने ये मैंने मेंशन कर दिया लास्ट गेट स्कोर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका एंड देन फिल द फॉर्म प्रॉपरली। अगर आपको एम टेक के लिए करना है तो अलग वेबसाइट है, अगर आपको एम एस पी एच डी करना है अलग वेबसाइट है, और अगर आपको करना है मैंने बताया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए आपको डायरेक्टली डालना गूगल के ऊपर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आई आई टी मद्रास प्रोग्राम, ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उसमें जाना, वहाँ पे आपको थोड़े दिन के बाद गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा अराउंड 30 अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा गूगल फॉर्म वहाँ पे, उसमें आप अपना फिल करना डेटा, आप अपना एम एस का फॉर्म भरना कि आपने एम एस कौन सा फॉर्म भरा है उसके अंदर जो आपको रिसर्च वेबसाइट बताया था मैंने आपको, वहाँ पे आपने जो फॉर्म भरा उसका डेटा मेंशन करना होगा आपको, और वो इंटरव्यू डेट्स पूछेंगे आपसे कब इंटरव्यू अवेलेबल है ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम में अप्लाई अप्लीकेबल हो जाओगे ऑटोमेटिकली एंड देन दे विल कॉल यू और फिर आप इंटरव्यू एंड उसमें इंटरव्यू एंड रिटर्न में परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो डेफिनेटली अगर आपका गेट स्कोर लो है यू कैन ट्राई इन एम एस एंड पी एच डी डेफिनेटली, एंड दीज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो गुड प्रोग्राम्स। इसके बारे में कुछ मिथ्स होती है बट जस्ट डोंट लिसन ऑल दीज थिंग्स, जस्ट अप्लाई एंड बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एक साल खराब नहीं करना पड़ेगा। ओके एंड आपकी एक मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर वन ईयर, मतलब एक साल आपका मास्टर डिग्री में खत्म हो जाएगा एंड विद अ गुड गुड आई आई टी इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको आई आई टी से एम एस की डिग्री मिल रही है नो डाउट, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, आपको इवन हो सकता है कि आप एम एस कर लो तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट पी एच डी में डेवलप हो जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पी एच डी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उनको लगता है कि रिसर्च अच्छा है तो वो चले जाते हैं फॉर पी एच डी ऑल्सो। ओके सो बेस्ट ऑफ लक, अगर आपका कोई और डाउट है तो मुझे आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.